नमस्कार साथियों, मैं हरबीर सिंह, आपके अपने स्टडी चैनल लर्न इजी विद हरबीर सिंह में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो गाइस, ये वीडियो बनाने की ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि अभी अभी मैंने एक मैसेज देखा है कुछ टाइम पहले, तो उसमें क्या है कि जो MCD PRT है उस पर केस हो चुका है। आप ये वीडियो पूरा देखें, क्या उनकी मांगे हैं, केस क्या हुआ है, सारी डिटेल मैं आपको बताने वाला हूं। तो गाइस वीडियो पूरा देखें। अभी आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे डेट ऑफ फाइलिंग कि केस कब फाइल हुआ है, 27/11/2018 को। हालांकि ये चीजें अभी पब्लिक नहीं करी थी उन्होंने, तो आज ये पब्लिक करी है। 27/11/2018 को केस फाइल हुआ था और केस स्टेटस क्या है, पेंडिंग है। जो केस की पहली तारीख लगेगी वो क्या है, लिसनिंग डेट क्या है, 4/12/2018, मतलब कल मंगलवार को इसकी पहली तारीख है। इसके बाद आप देख सकते हैं कि केस किस किस के बीच है, जैसा कि वो पहले भी फाइल कर रहे थे, नितिन एंड अदर्स, दिल्ली सबोर्डिनेट सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड एंड अनदर। तो ये क्या है, DSSB के खिलाफ इनका केस है, नितिन एंड अदर्स। तो अब देखते हैं कि इनकी मांगे क्या है, यहां से एक एक करके मैं आपको बता देता हूं क्या मांगे रखी इन्होंने। तो सबसे पहले तो इन्होंने रिजल्ट पर स्टे की मांग की है और इन्होंने क्या कहा है कि पार्ट टू NIUS बुक्स में से बनाया गया है जो कि आउट ऑफ सिलेबस है। इनके जो पॉइंट है आप ध्यान से सुन लीजिए। पहला पॉइंट इन्होंने बताया है कि जो पार्ट टू है वो NIUS की जो बुक है उसमें से बनाया गया है जो कि आउट ऑफ सिलेबस है। सेकेंड है कि NIUS की जो बुक है भर्ती की नोटिफिकेशन के बाद पब्लिश हुई है। इसके बाद थर्ड है, बैच फर्स्ट यानी 30/9/2018 को जो पेपर हुआ है उन वाले कैंडिडेट्स को छोड़ के बाद के सभी तीन जो बैच हुए हैं उनको पता चल गया कि एग्जाम NIUS में से आया है और उनकी तैयारी अच्छी हुई है। इन्होंने ये कहा है कि 30 वालों को छोड़ के और सभी ने NIUS की बुक पढ़ ली अच्छे से और उनकी तैयारी अच्छे से हो गई है। इसके बाद इन्होंने क्या कहा है कि इन सभी के आधार पर उन्होंने प्रोसेस पर स्टे की मांग की है और कहा है कि जो एग्जाम को स्क्रैप कर री एग्जाम कराने की प्रे की है, मतलब ये चाहते हैं कि ये एग्जाम कैंसिल करा के दूसरा एग्जाम लिया जाए, नया एग्जाम लिया जाए। तो गाइज ये इनकी मांगे हैं जो मैंने अभी आपको बताई है कि एक तो NIUS में से एग्जाम आया है, 30 को छोड़ के और सभी को बाद में पता चल गया है और उन्होंने वो चीज़ें कर ली हैं और उन्होंने अच्छे से तैयारी करी है, और NIUS की जो बुक है वो भर्ती के नोटिफिकेशन के बाद पब्लिश हुई है। तो देखते हैं गाइस क्या होता है। हालांकि अभी इन्होंने केस कल फाइल कर दिया है और कल जो भी नोटिफिकेशन होगा आपको इससे अपडेट करा दिया जाएगा। तो इन सभी नोटिफिकेशन के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो गाइस गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।